आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप दूध डाल लेंगे। अब हम इसमें 3/4 कप शक्कर डाल लेंगे। दूध और शक्कर को हम एक साथ पका लेंगे। इसकी क्वांटिटी हाफ होने तक दूध को रिड्यूस करेंगे। शक्कर और दूध को एक साथ पकाने से हमारे कंडेंस मिल्क का रंग बहुत अच्छा आता है। फ्लेम को मीडियम रखें और चम्मच से लगातार चलाते हुए इसे पका ले ताकि नीचे चिपके ना, और इसके साइड्स भी स्क्रैप कर ले। आप इसके साइड स्क्रैप करने से इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। 10 मिनट के बाद इसका रंग भी थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसे आप कंटिन्यू पकाए तब तक कि ये अपनी क्वांटिटी से आधा कम ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कंडेंस मिल्क आधा रेड्यूस हो गया है। अब इसमें बबल्स आना स्टार्ट होते ही हम इसके अंदर 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल लेंगे। बेकिंग सोडा डालते ही आप इसे 5 मिनट के लिए पकाए और फ्लेम को ऑफ कर दे। फ्लेम ऑफ कर देने के बाद इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल ले और मिला ले। हमारा कंडेंस मिल्क बनकर तैयार है। ये बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।